क्या सोच रही हो? सोच रहे हैं कि हम पैदा क्यों हुए। 75 साल के बाद सोच रही हो कि पैदा क्यों हुए? 75 साल की हो तुम, हम तो हैं सिर्फ 70 साल के। अरे तो आराम से बात करो, लड़ो तो नहीं। आराम से बात करो तो तुम कहती हो। क्या कहा? क्या कहा? बीमा आदाब। जीते रहो। आदाब बीमा, आप लोग उठ गए? ना, अभी जिंदा है, उठने की अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। आप दोनों ने नाश्ता कर लिया? मियां पहले खाएंगे रात का खाना और फिर करेंगे नाश्ता। क्या रात का खाना नहीं खाया आपने? आज तुम चले गए थे ना। लेकिन नजमा ने मेरे सामने अब्दुल से कहा था कि आप दोनों का खाना आपके कमरे में पहुंचा दे। हाँ तो अब्दुल भूल गया होगा। भूल गया होगा, अभी डांट के आता हूँ मैं उसे। बी अम्मा, ऐसा बोला कर, ऐसा लगता है कि हलक में जलजला पोशीदा है। अरे मैं ये कह रही थी कि ना तो ये अब्दुल को डांटेगा और ना ये वापस आएगा। क्या कह रही है? अरे इनसे बात करना तो बिल्कुल ऐसे है कि किसी पत्थर की मूर्ति से इंसान बात कर ले। बी अम्मा, मैं ये कह रही थी कि चलो किसी होटल में चलकर चाय पी लेते हैं। इस उम्र में और होटल में, और पैसे कौन देगा? अहमद हसन? अहमद हसन हमारे शौहर थे, जैसे भी थे अब इस दुनिया में नहीं है। जब वो जिंदा थे तब उन्होंने हमें पैसे ना दिए, अब क्या मुर्दा पैसे देगा? और हमारी शादी भी आपने करवाई थी। अगर तुम्हारी शादी ना करती तो वो हमसे शादी कर लेते। वो तो वालदेन की दुआ काम आ गई और तुम आड़े आ गई, और तुमने भी मंजूर मंजूर चीखने में एक सेकंड नहीं लगाया। अरे तो अपनी खुशी कैसे जब्त करते? जिम्मेदार, खुश शक्ल, 6 फुटिया। 4 फुटिया होता और औलाद छोड़ जाता तो कम से कम याद तो आता। तो तुम्हारे 4.5 फुटिये ने क्या छोड़ा? निकाह के बाद हमें छोड़ा, रुखसती हुई नहीं थी तो कुछ छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा भी अम्मा, ये बताओ कि तुमने फिर से शादी क्यों ना की? कम से कम 50 बरस से तुम हमें यही बताते आ रहे हैं कि हमने फिर शादी क्यों नहीं की। अच्छा चलो फिर से बता दो ना। बी अम्मा, मैंने अब्दुल को बहुत डांटा। अरे झूठ के अलावा भी कुछ बोल लिया करो। देखो आफताब मियां, ना हम तुम्हारे करीब के रिश्तेदार हैं ना दूर के। ये जो तुम्हारे साथ तख्त पर बैठी हुई है ना, अलबत्ता ये रिश्तेदार हैं जरूर तुम्हारी। आप अम्मा बी की रिश्तेदार हैं तो हमारी भी हैं। अरे मियाँ, ये तो तुम्हारी शराफत है कि तुमने हमें अपने घर में रखा हुआ है, वरना कल कलां को जब तुम मर जाओगे तो हमें तो यहाँ पर कोई आदाब कहने वाला नहीं होगा। अब खुद देखो, ना हमें रात का खाना मिला ना सुबह का नाश्ता। मैं शर्मिंदा हूँ भूपी अम्मा, रही जिंदगी और मौत वो अल्लाह के हाथ में है। खुदा आपको मेरी उम्र भी दे दे। जो गुजर गई वो, या जो बाकी बची है? क्या कह रही है? है आफ्ताब, बुरा ना मानना, भूखी है। भी अम्मा, मैं ऐसे लोगों की बात का बुरा नहीं मानता जो जल्द ही कूच करने वाले हों। अच्छे लोगों को अल्लाह उठाता है और बुरे लोगों को पुलिस। देख लेना, हमें तो अल्लाह उठाएगा। नजमा आपके लिए नाश्ते का इंतजाम कर रही है। दोपहर के खाने को नाश्ते से मिलाने की कोशिश कर रही होगी। हाँ, वो आप लोगों के लिए ब्रंच तैयार कर रही है। ये ब्रंच क्या होता है? नाश्ता और लंच मिक्स करते हैं। आप लोगों के लिए चाय अभी आ रही है। ये आफ्ताब से तो क्या कह रही थी? कह रही थी कभी नजमा के सामने भी तुलू हो जाया करो। अरे तारीफें कर रही थी उसकी। तुम खुदा से तो डरती नहीं, वरना मैं कहती कि अल्लाह से डरो तुम और आफ्ताब की तारीफ करोगी। दोस्ती, तो रात का खाना क्यों नहीं लेकर आया था? खाने की अदम दस्तियाबी थी, क्योंकि फरहमी की मशीन पे बेगम साहबा ने
ताला लगा दिया था। बात सुनो, इस घर में तुम दोनों का बहरान बढ़ता जा रहा है, आपको नया इत्तेहादी ढूंढो और उसके घर शिफ्ट हो जाओ। अबे, प्लेट में चाय लेकर आया है? आइंदा अबे नहीं कहना, औरत हो के अबे कहती हो? अरे अभी तो मैंने सिर्फ अबे कहा है, आइंदा बहुत कुछ और साथ लगाऊंगी। तुम दोनों तश्तरी में चाय पीती हो, इसलिए बेगम साहबा ने मना किया था कि कप में चाय ना ले जाना। उन्होंने कहा था कि उन कबायलियों को प्लेट ही में चाय दे देना, वो इस कमरे को कबायली इलाका कहती है ना। अच्छा चुप कर जाओ, तुम पुराने मुलाजिम हो, शिकायतें नहीं करनी चाहिए। मैं तुम दोनों की इज्जत करता हूँ, इसलिए कि मुझसे पहले जाके तुम दोनों ने अल्लाह का मुंह दिखाना है। अगर मेरे जद्दे अमजद जिंदा होते ना तो तुम दोनों के हम उम्र ही होते। हाँ अच्छा, ले ले प्लेट और जा यहाँ से। ये भी ले जा। खाने के लिए बंद कबाब ला दूं? क्यों, मेजबान ने खाना नहीं पकाया? वो दोनों तो लंच पे गए हैं, इसलिए वो आइडिया तो ड्रॉप हो गया। अब मुझसे कह गई थी कि वो बाजार से कुछ खाने के लिए ला दूं। यूं कर, मुझे पराठा और चाय ला दे, बंद कबाब नहीं खाए जाते मुझसे। दो ले आई हो, ये नहीं खाएंगी तो मैं खा लूंगी, इनको बस चाय और पराठा दे देना। पराठा दे देना कहना बहुत आसान है, उसकी तश्कील पे चीखें निकल जाएंगी। आटे के सरकारी गोदामों पे ताले पड़ गए हैं, तो सोचें बावर्ची खाने में जहां आटा रखा है उस पे क्या लगा होगा। एक रोटी 8 रुपए की पड़ रही है। अब तुम दोनों पराठे की कीमत का अंदाजा लगाओ। बाजार से पराठा ले आना। कहाँ चली? उस खाने। क्या मुझसे छुप के कुछ खा लिया था? अल्लाह ने मुंह भी धोने के लिए बनाया। नजमा यहाँ क्यों आई थी? आई वो हमारे कमरे का डिजाइन बदलना चाह रही है। हेलो, हमारे कमरे में है क्या यू डिजाइन बदलेगी? यकीनन मेरा पलंग छत पर डलवा देगी। तुमने टीवी का कहा? मुझे कोई शौक नहीं, तुम खुद ही पूछ लेना। आ,
आज तो गुसल खाने में मुस्लिम शावर में इस जोर का पानी आया कि मेरी तो खोपड़ी में से निकलने लगा था। सुनो, नजमा ने अपने घर में ना प्रेशर मशीन लगाई है। अब्दुल बता रहा था कि बड़े बड़े होटलों में ऐसी मशीनें लगती हैं। हाय हटाओ, सारी दुनिया में मुसलमानों का प्रेशर कम हो गया, एक मुस्लिम शावर में प्रेशर बहुत जोर का है। मैं तो अब्दुल से कह के लोटा मंगवाऊंगी अपने लिए कल। सुनो, चाय पीने का बड़ा दिल कर रहा है। तुम नजमा तो है नहीं घर में, तो अब्दुल को कहो तो चाय बना देगा। नजमा अगर ना गई हुई तो मैं बाहर निकलूंगी, फौरन पूछेगी कहाँ जा रही हो। फिर हाँ तो कह देना कि अब्दुल से चाय का कहने जा रही हूँ। तुम में इतनी हिम्मत है ना, खुद जाके कह दो। अरे मुझे चाय का कोई शौक नहीं है, प्लेटों में चाय तो पीने का मजा आता है। अरे पता नहीं ये आफ्ताब ने दूसरी शादी क्यों की, अच्छी भली रसिया के बगैर बदमाशी की जिंदगी गुजार रहा था और अब एक मुसीबत के साथ बदमाशी की खुफिया जिंदगी गुजार रहा है। चुप हो जा, दीवारों के भी कान होते हैं। जब तक तेरी जिंदगी है ना, बस पलंग पे चुपकी सी लेटी रहो। हाय रजिया कितनी अच्छी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उसे, कितना ख्याल रखती थी हमारा, उसी का तो वादा निभा रही। कौन सा वादा? हाय उसने कहा था कि भी अम्मा मैं रहूं या ना रहूं, तुम दोनों यहाँ से मिल जाना। और ये घर भी तो तुम्हारे पैसों से बना है, और रजिया को पता था कि उसके जाने के बाद आफताब दूसरी शादी कर लेगा। आए 5-6 दफा तो रजिया ने खुद आफताब को पकड़ा है। एक दफा मैंने पकड़ा, मैंने फौरन रजिया को बता दिया, सफाई वाली को योगा सिखा रहा था। आफताब ने खुद रजिया को बताया था, वो उसे योगा सिखा रहा था। बेगम साहिबा कह गई थी कि कमरे की बत्ती 10:30 बजे बंद कर दिया। एक मिनट रुक जा। खबरदार जो तूने हमारे कमरे की बत्ती बुझाई तो। हाँ, और जाके अपनी बेगम साहिबा को कह दे कि उसकी ऐसी की तैसी। बेगम साहिबा घर पे ही हैं। वो दरवाजे के बाहर साथ ही खड़ी। अच्छा तो तू ऐसा करके अपनी अपनी बेगम साहिबा को ये कह दे कि हमारी ऐसी तैसी। हाँ। जब आप बेगम साहिबा से इतना ही डरती हैं तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हैं? वो घर पे नहीं है। दोसखी, अब तू झूठ भी बोलने लग गया है और तुम हंस रही हो। इधर मेरा कलेजा बाहर को आ गया। अब्दुल, सुबह तुझे मैंने 100 का नोट दिया था, तूने पैसे नहीं वापस किए। को उधार तो नहीं दिया था कि जो वापस कर देता? 60 रुपए के बंद कबाब आ गए, 20 रुपए के पराठे आ गए और बाकी बचे 20 तो वो हमने तुम्हारे नाम पे सदके में दे दिए। क्या 20 रुपए सदका दे दिया तूने? हैं? सदके का बकरा 1200 रुपए का था। मैंने उनको 20 रुपए देकर कहा कि इसमें से जो भी हिस्सा बनता है वो इसमें डाल दें। इसका मतलब है तू 20 रुपए खा गया है। आपने ठीक पहचाना, 20 रुपए में तो बकरे की गूदा निकली हुई नली भी नहीं मिलती। हमने बंद कबाब खा लिया था। आए तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब तो जा और एक गरम चाय का कप बना के लेके आ। एक प्लेट चाय? नजमा तो घर पे नहीं है ना, कप में चाय लिया इसके लिए गरम गरम। पता नहीं मालिक हमसे कौन सा इम्तिहान ले रहा है। हाँ, अब तो अल्लाह से यही दुआ कि अल्लाह हमें तो उठा ही ले। साल में 1 महीना आता है मुहर्रम का, लेकिन तुम दोनों के कमरे से सारा साल सोज खानी के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता।
लाता हूँ। चल जा दफा हो। चाय तो मिलेगी नहीं, पानी खा लेते हैं। अतर खा के फिर लेट जाना। ले आए घंटे से लकड़ी के तख्तों के ऊपर बैठा दिया है, इधर उधर जाने की इजाजत भी नहीं है। ऐसा बोल, मेजबान इधर है, अब डिजाइन चेंज कर रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा। क्यों? तख्त के नीचे से कहीं आमों की गुठलियां ना निकल आए। हजार बार मना किया था तुझे मैंने कि आम खाकर गुठलियां मेरे तख्त के नीचे ना फेंका कर। हमारे तुम्हारे खानदान में तो तख्त के नीचे से हमेशा ढेरों आम की गुठलियाँ और पपीते के बीज निकले हैं। हमारे लिए तो तख्त गंध छुपाने की तहजीब के अलमबरदार होते थे। इतने बरसों पुरानी आदत ऐसे तो नहीं चली जाएगी भी अम्मा। आम का मौसम तो कब का ख़त्म हो चुका, गुठलियाँ अब निकल रही हैं, पता नहीं किस हालत में होंगी। जब आम छुप कर खाए जाते हैं तो गुठलियाँ भी छुपाई जाती हैं। नजमा और आफ्ताब अगर हमें आम ला कर देते तो हम अब्दुल से कहते कि गुठलियाँ और छिलके जाके बाहर फेंको। खुद तो जा नहीं सकते क्योंकि कमरे के बाहर तो कर्फ्यू लगा हुआ है। नजमा का डर है कि दोनों अगर बाहर नजर आए तो फौरन धक्का देकर अंदर भेज दो। हैं, ये कर्फ्यू की बात किसने की तुझसे? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। आज पूरे 3 महीने के बाद हम उस कमरे से बाहर निकले हैं। गुसल खाने जाना है। लो, अरे कमरे में वापस जाने की इजाज़त नहीं, इधर उधर जा नहीं सकते। तुम कह रही हो गुसल खाने जाना है। जिस स्टूल पर बैठी हो ना उसी को कमोड समझो और शुरू हो जाओ। अरे होश में तो हो तुम। आप दोनों बाहर बैठी हैं, खैरियत? हाँ, हम तो खैरियत से हैं, अलबत्ता ये सब किए बैठी हैं। गुस्सा? ना, गुस्सा नहीं, वो जो एक हद तक सब किए जा सकती है। अरे गुसल खाने जाना है तो भी अम्मा गुसल खाने चली जाएं आप। लो, कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है, तुम कह रहे हो गुसल खाने चली जाए। नजमा डिजाइन बदल रही है तो आप हमारे कमरे में चली जाएं। नजमा, आप क्या कर रही हैं? झक मार रही हूँ। मशरकी तहजीब के जो आखिरी दो नमूने यहाँ रह गए उन दोनों ने मेरी मुआशरे का खात्मा कर दिया है। क्या मतलब? ये देखिए, दरबारे अवध के तख्त के नीचे से 218 आमों की गुठलियाँ निकली हैं। हाय, तो 218 आम खा गई? तुम सब के हुदूद में हो, सांस ऊपर खींचो और चुप, बस सुनो। अब्दुल, उन दोनों को आम लाके कौन देता था? साहब, आम को मजामीन नहीं है जो गैब से आ जाएं। बी अम्मा पैसे देती थीं और हम लाकर देते थे। और तुम्हारी मुगल बी अम्मा, इनके तख्त में खटमल। अब्दुल, बी अम्मा के तख्त में खटमल? जाहिर है तख्त में कोई अंग्रेज तो नहीं निकल सकते। ये तख्त चौकीदार का था जो बेगम साहिबा ने बी अम्मा के लिए मुझसे मंगवा के यहाँ डलवा दिया। ये दोनों अब यहाँ नहीं रहेंगी, मैं इस कमरे को गेस्ट रूम बना रही हूँ। मुझसे सब नहीं हो रहा। जब तक इन दोनों का माकूल इंतजाम नहीं हो जाता ये दोनों यहीं रहेंगी। मेरे मम्मी डैडी आने वाले हैं 2 महीने के लिए। 2 महीने वो कहाँ रहेंगे? भाई, उनके कराची में 3 घर हैं। वो तीनों किराए पर उठे हुए हैं, वो दोनों अपनी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। ये घर बी अम्मा का है, जब तक वो रुखसत नहीं होती अब वो... इस उम्र में तो कोई पागल ही उनको लेके जाएगा। आप चित समझी नहीं, मेरा मतलब था कि जब तक वो जिंदा हैं इसी घर में रहेंगी। शादी के वक्त आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि घर आपका नहीं है? हाय, सुकून सुकून आ गया। बस थोड़ी देर का है, हम दोनों को इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाएंगे।
तुमने जाना है ना, जरूर चली जाना, मगर मैं तो नजमा को, आफताब को घर से बाहर निकाल कर जाऊंगी। हाँ सुन रहे हो, दूसरे ने क्या कहा, वो हम दोनों को इस घर से निकाल कर जाएगी। आप परेशान ना हो अब्दुल, तुम ये गुठलियां मार फेंक के आओ, चलो। कहाँ तक छुपाएगी, मैंने भी ढूंढ निकाला। हाँ ये खड़े तख्त पे मैं कैसे लेटूं? मुझे तो इस डिजाइन की कोई खास समझ नहीं आई। तुम ऐसा करो कि इसको यूं लेटाओ और लेट जाओ ऊपर। हाँ फिर तो वही डिजाइन हो जाएगा। तो फिर अब्दुल को बुला लो, उससे पूछो खड़े तख्त पर कैसे लेटा जाता है। अच्छा तुम तो लेट जाओ ना, जो जगह बचेगी मैं आड़ी चिट्ठियों के लेट जाऊंगी। लेकिन बहन तुम खराटे बहुत देती हो। हाँ अरे ये कैसी बात कर दी, अरे फजर के बाद तुम्हारे खराटों की आवाज बगदाद तक जाती होगी, हमने तो कभी गिला नहीं किया। अरे खराटे नहीं होते वो, हमें सांस की तकलीफ है, मुंह की बजाय नथनों से सांस लो ना तो आवाज दूर तक जाती है। क्या फजूल बात कर रही हो, मान लो कि फजर के बाद जो तुम्हारे खराटे हैं वो तबाह कुन खराटे होते हैं। अरे हमारे खराटों में तहजीब है, तुम्हारे खराटों में दहशत गर्दी, खुद खुश खराटे हैं। क्या बात कर, बत्ती बंद करने का टाइम हो गया, बिजली का बिल बहुत आ रहा है। एक मिनट रुक जा। अरे रुक जा, बिजली का बिल बहुत आ रहा है। देख ये घर बी अम्मा का है और हम बी अम्मा की कजन हैं, जितनी देर हमारा जी चाहेगा हम बत्ती जलाएंगे और किसी का आर्डर नहीं लेंगे। हाँ 218 गुठनिया, मालूम नहीं कि सफाई निस्फ ईमान होती है। बी अम्मा के तख्त के नीचे इस कदर गंदगी, तुम दोनों बख्शी नहीं जाओगी। अब्दुल जिंदगी भर हमने दस्तरखान पर खाना खाया है। दस्तरखान, मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस मुगलिया दौर से निकल आओ। दस्तरखान जिस चिड़िया का नाम था ना वो उड़ गई। इंसानी माशरे में सबसे ज्यादा जरूरी खाना पीना है और दस्तरखान से तहजीब नजर आती है। जौनपुर में उस जमाने में भी अम्मा के बावर्ची की तनख्वाह 200 रुपए थी, दो दो बावर्ची खानों से खाना आता था, एक जाती और एक सरकारी। बी अम्मा के वालिद सरकारी मुलाजिम थे, ईमानदार। अभी तक उनका कमाया हुआ पैसा चल रहा है और तुम कहती हो ईमानदार, हांकती क्यों हो? देखो अब्दुल ये मत भूलो कि तुम मुलाजिम हो, जितनी इंफॉर्मेशन हो उतना ही बोला करो, किसी पे तोहमत नहीं लगानी चाहिए। मेरे अब्बा जो थे वो बहुत ईमानदार इंसान थे, जब हम पाकिस्तान आए तो सिर्फ पैसा लेकर आए थे लेकिन ईमानदारी का पैसा, इतनी ज़मीनें थी उनको बेच कर आए थे। जो आफ्ताब ने गपक लिया। गपक नहीं लिया, हमने आफ्ताब को दिया। साहब तुम्हारे कौन हैं? अरे कुछ भी नहीं, हे दूर के रिश्तेदार को खामखा से मुंह बोला बेटा बना लिया। साहब की पहली बेगम तुम दोनों की कौन थी? रजिया बी अम्मा की सबसे छोटी बहन की बेटी थी। बड़ी अच्छी थी। हाय अब्दुल, इस खड़े तख्त का क्या होगा? पुराना डिजाइन फिर से कर देते हैं। हाँ कर दो। ये ले।
चाय पियोगी कप में? हाँ फिर तो हम भी पियेंगे। आज से ये घर तुम दोनों का। ये तो नजमा आफ्ताब का घर है। आज से वो दोनों मेहमान और तुम दोनों इस घर के मालिक। मैं चाय लेकर आता हूँ। पुराने मुलाजिम पुराने ही होते हैं। हाँ हमारे सामने तो ये सब कुछ कह के गया है ना, देखना नजमा के सामने फूंक निकल जाएगी। अच्छा, तो मैं लेकर आती हूँ। टेलीविजन देखने को जी तड़प रहा है। हाँ तो फिर तड़पो। इतनी मेहनत से नजमा ने इस कमरे का डिजाइन बदला, आप लोगों ने फिर वही कर लिया। तुम में मर्दानगी का फुकदान है और फुकदान बीवी से डरता है। आपकी जबान में वो लताफत बाकी नहीं रही जो बुजुर्गी को पायदारी और गहराई बख्शती है। आप दोनों अच्छी तरह समझ लें कि इस घर में नजमा नंबर वन है। ना ना, रजिया नंबर वन, नजमा नंबर टू। रजिया मर गई। अरे नहीं मरी नहीं, होंडे में फंस गई थी। इल्जाम तराशी मत करें और अपनी जबान को कंट्रोल करें। मैं शरीफ हूँ। शराफत पकड़ी नहीं जाती और मैंने तो इन आंखों से शराफत को पकड़ा है। सफाई वाली को योगा सिखाया जा रहा था। बीमा, इनसे कहें कि अपनी हदूद में रहें। तुम अपनी हदूद में रहो। हम दोनों कागज की बनी हुई नहीं है जो तुम्हारी बीवी की मुट्ठी में आके चुड़ड़ मुड़ हो जाएंगी। क्या बोले जा रही है? ये बोले नहीं जा रही, बदतमीजी कर रही है। और अब ये बदतमीजी सारी जिंदगी रहेगी। हाँ सारा माशरा ही बिगड़ चुका है, बुजुर्गों को बात करने की तमीज नहीं रही। तुम कोई पूरा मुआशरा तो हो नहीं जो अपने पैरों पर खड़े होने की सलाहियत खो चुका है। तुम तो अपने बीवी की बेसाखी बन चुके हो, जहाँ वो जाती है उसके पीछे खटर पटर करके चले जाते हो। फर्द का रिश्ता ही भूल गए हो। बीमा मैं क्या करूं, बेडरूम में नजमा मुझे गालियां देती है, यहाँ गेस्ट रूम में ये गालियां देती है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? भूटान चले जाओ। भूटान? अरे भाई जहाँ जी चाहे चले जाओ, मेरा दिमाग ना खराब करो, जाओ यहाँ से। और ये मगरमच्छ के आंसू पोछो। मैं क्या करूं? नजमा को योगा सिखाओ। तू चुपकी बैठ। अरे हम तो लेटे हुए हैं। तो फिर चुपकी लेट। आज शाम तक हमारे कमरे में टीवी आ जाना चाहिए, वरना कल सुबह से हम ड्राइंग रूम में बैठ के सारा दिन टीवी देखेंगे। जिस मर्जी गुसल खाने में जाएंगे और खाने की मेज पर बैठ के खाना खाएंगे और गिराएंगे। तुम नजमा को जानती नहीं हो। अरे जानना भी नहीं चाहती। तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। जिस शख्स ने सारी जिंदगी नाजायज काम किए हो उससे थोड़ा सा नाजायज फायदा उठा लेने में क्या हर्ज है? शाम तक टीवी आ जाना चाहिए, छोटा नहीं बड़ा, और वो भी रंगीन। चलो अब तुम जाओ। सुन, तू आफ्ताब से इतनी बातें क्यों कर रही थी? ए, आफताब के रवैये की तारीफ भी तो करनी है। क्या कहा? हटो, तुमसे तो बात करना फजूल है। दर,
अब ना पीछे करो ना। आप लोगों की इस ख्वाहिश ने मुझे जहन्नुम में डाल दिया है। अरे जहाँ आखिर में जाना है वहाँ जाने की अभी से प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा है ना। क्या कह रही हो? आफ्ताब का शुक्रिया अदा कर रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ कि इसने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। देखो तो कितना अच्छा टीवी लेकर आया है हमारे लिए। अब दो कुर्सियाँ, एक खाने की मेज और एक अदद फ्रिज हमारे कमरे में आ जाना चाहिए, वरना परसों से हम तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठेंगे और तुम्हारे घर की हर दावत में शरीक होंगे। ना तो तुम मेरी रिश्तेदार हो ना किसी दोस्त की परदादी, तुम किस बात का बदला ले रही हो? मैं एक मिनट में गुद्दी से पकड़ के ना तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। आज से 30 साल पहले हमारी गुद्दी थी, अब नहीं है। भी अब्बा, ये ना हजार बदजबान बेफित्री औरत आपकी दूर की रिश्तेदार कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? ये हमारी रिश्तेदार है। सुन लिया? बी अम्मा को खर्च की तंगी है और उनके रुफका परेशान रहते हैं, यानी कि हम। तुम इस परेशानी का हल निकालो, वरना बी अम्मा मंजूर के बेटे असद को बुलाकर तुम पर मुकदमा करवा देंगी। और तुम तो जानते हो कि असद कितना अच्छा वकील है। बी अम्मा ये क्या कह रही हैं? असद यहाँ तो नहीं आता? आता है और अब तो कई दफे आएगा। और सुनो, तुम भी अम्मा को हर महीने 500 रुपए देने के बजाय रोजाना 500 रुपए दोगे। मैं रोजाना 500 नहीं दे सकता। तो ठीक है, हम नजमा को तुम्हारा असल बता देंगे और उसके माँ बाप के सामने तुम्हारी लंबी तशरीह करेंगे। और तुम में जो बेईमानी के मुरक्कबात मौजूद हैं वो हम तुम्हारे सास ससुर के सामने बारी बारी एक एक करके खाने की मेज़ पर निकालते जाएंगे, बस थोड़ी सी इजाफत के साथ। ये तुम्हारी उर्दू इतनी अच्छी कैसे हो गई? 3 साल मौलवी अब्दुल हक के पड़ोस में रही हूँ मैं। बी अम्मा आप क्यों नहीं बोल रही? अरे दो लोग जब साथ बोले तो मफहूम समझ में नहीं आता, इसलिए हम खामोश रहना मुनासिब समझते हैं। अलग अलग ट्रे, दो अंडे पराठे, कप में चाय। ये बी अम्मा और फूफी अम्मा का नाश्ता है। वो दोनों तेरी कौन लगती हैं? ये घर उन दोनों का है। ये आफ्ताब हाउस है, मैं चाहूँ तो इन दोनों को अभी इस घर से बाहर निकाल फेंकूं। बी अम्मा तो खुद चली जाएंगी, तुम फूफी अम्मा को टच करके देखो, ऐसा लगेगा किसी प्लग में उंगलियां डाल दी। तमीज से बात करो और वापस ले जाओ इसे। तुम कहाँ जा रही हो? जरा नजमा को टच करने। यहाँ आराम से बैठो, मैं नाश्ता भिजवा रहा हूँ। अभी अम्मा, भी अम्मा ये 500 रुपए। और सुनो, परसों आफ्ताब हाउस की जगह बी अम्मा हाउस लिखवा देना। हाँ वो नजमा कह रही थी
उसको अब तुम्हारे पुराने गानों पे भी इतराज है। ये तो क्या, अब इस कुत्ते बाजे के ऊपर को वीडियो लगा दूं? हाँ, मुझसे कह रही थी कि मैं मना कर दूं कि ये मरे हुए गानों की आवाजें मेरे घर से नहीं आनी चाहिए। तुमने क्या जवाब दिया? है जो जवाब देना था दे दिया, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और अगर बता दिया ना तो तुम मुझसे बदतमीजी करने लो। पता नहीं तुम नजमा से इतना डरती क्यों? हम तो सबसे डरते हैं, हम तो तुमसे भी डरते हैं। हम तो नजमा से बात ही नहीं करते, और अब के अगर उसने हमारे पुराने गानों के ऊपर एतराज किया ना तो हम इस कुत्ते बाजे के साथ साथ गाएंगे। हाँ, मुझ बात सुनो, तुम भी कभी कभी इस फूकों को बंद कर दिया करो। खुर्शीद का गाना बरसों रे सुनकर दोनों मियां बीवी हम पर खुर्शीद से ज्यादा बरसे। तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा? हेलो, हमारा दरवाजा कोई दरवाजा खावर तो है नहीं कि बस सिर्फ सुबह ही खुल सकेगा। आज देखना उस अजदवाजी बटेर को मैं कितना सुनाती हूँ। किसको? अजदवाजी बटेर को। अजदवाजी बटेर? हाँ, आफताब। वो बेचारा तो बेकसूर है, नेक और शरीफ बच्चा है, इसलिए बीवी के आगे बोलता नहीं। अरे वो तो नजमा के पीछे भी कुछ नहीं बोलता। अरे हमने देखा कि वो दोनों अपने कमरे में जोधा अकबर फिल्म देख रहे हैं। मैंने अब्दुल को कहा कि जाके मालूम करो कि हम दोनों भी जाके उनके साथ बैठ के फिल्म देख लें। तुम पाकिस्तान बनने से पहले भी गैरत तो नहीं थी? तुम भूल रही हो, थे। अरे जब वो औरत तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करती तो तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम उसके कमरे में बैठकर उसके साथ चूज़ा अकबर देखो। नो, नजमा कह रही थी कि तुम दोनों ओरिजिनल अकबर देख चुके हो तो फिर फिल्म देखने की क्या जरूरत है? सुन लिया तुमने? आए सुन लिया, वो औरत हमें कितना पुराना समझती है। आफताब ने कुछ नहीं कहा? आफताब कह रहे थे कि अभी प्रिंट अच्छा नहीं है, जब मास्टर प्रिंट आएगा तो आप दोनों को इत्तला कर देंगे। 8 साल हो गए, पाकीजा का प्रिंट तो अभी तक आया नहीं है, इसका मालूम नहीं कब आएगा। मैं तुम दोनों की जगह होता ना तो गले में दुपट्टा लपेट के पंखे से लटक जाता। हमें लटकना आता नहीं है, तू जरा लटक के दिखा, उसके बाद में हम ट्राई कर लेंगे। फजूल बातें ना करो, अपना कोई इंतजाम कर लो। अगर
दो तीन रोज में तुम लोग नहीं गए ना तो नजमा पीसीओ के तहत तुम दोनों को उठवा देगी। हेलो, अरे बीएम्मा सुन लिया ये क्या कह रहा है, हमें उठवा देगी वो। हाँ बीएम्मा कहाँ है? इंग्लैंड नहीं चली गई, गुसल खाने में है, नहा रही हैं। खाओगे तो नहीं? तुम लोगों के कफन दफन और स्वयं के लिए जितने पैसे जमा किए थे ना, आज तुम्हारी ख्वाहिशात ने सारे खत्म करवा दिए। अभी तो हम चेहलम और बरसी के लिए जो तुमने पैसे बचा के रखे हैं ना, वो भी खर्च करवाएंगे। वैसे आफताब, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। बी अम्मा जो है वो असासा हैं, उनको महफूज रखना चाहिए। अब ये जो तुम्हारी धांधली है ना, ये और नहीं चलेगी। तुम्हें नहीं मालूम बी अम्मा के हालात पाकिस्तान से भी ज्यादा नाजुक हैं। भगवान दास बनने की जरूरत नहीं है, जो हो वही रहो। वैसे एक बात मैं तुम्हें बता दूं आफताब, हमारी हुदूद में नजमा की कार्रवाई नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? बी अम्मा पता नहीं कब निकलेंगी। आ जाती हैं, आखिरी गुसल नहीं कर रही, एक घंटा लगाती है नहाने में। और तुम कब नहाती हो? क्यों, ठंडा पानी बंद करने का इरादा है क्या? मैंने बी अम्मा से कोई प्राइवेट बात करनी है। ना, इसकी इजाजत ही नहीं है। मैंने अभी तक किसी बुजुर्ग पे हाथ उठाया नहीं है। और हमने भी किसी बदबख्त पर लात नहीं घुमाई। चार दिन बाद नजमा के वालदेन आने वाले हैं। क्यों, हमने तो सुना था कि अज़दवाजी जिंदगी से नजमा ने इस्तीफा दे दिया, तो फिर वालदेन के आने की क्या जरूरत है? तुम्हें किसने बताया है? किसने बताया? Tell me. अब ये खबर हक टीवी पर तो आई नहीं है? और ये अंग्रेजी में हमसे बात मत करो, टेल मी। अब्दुल, ये बात अब्दुल ने बताई होगी। आए छोड़ो, अब्दुल को क्या पता। तो फिर किसने बताई है? मौलाना फजलुर रहमान ने मोबाइल पर फोन किया था हमें। हमेशा फजूल बातें करती रहती। और एक बात याद रखना, ये आज तुम्हारा आखिरी दिन है। हाँ, कौन आया था? कदा का झोंका था, गुजर गया। अल्लाह ना करे। चाहे कितनी सख्ती से नलका बंद कर लो, पानी टपटा पटा टपकता ही रहता है। हाँ, तभी तो ये टंकी खाली हो जाती है। नहाने का वक्त आता है तो नलकों में से सवाए हवा के कुछ निकलता ही नहीं है। तुम दोनों ने हालात हाजरा पे तबसरा कर लिया हो तो हम खाना लिए। देख, खाना मत कहा कर, अब टाइम पे मिलने लगा है तो फैल रही हो।
अरे तुझे क्या पता, सारी जिंदगी हमने असली मसाले, असली घी, घर में लगी हुई ताज़ा तरकारियाँ, घर में ज़िबा किए हुए ताज़ा बकरे का गोश्त खाया है। अरे हमारे यहाँ तो कोरमे में हमेशा बादाम पड़ते थे। सारी जिंदगी, पौ से ज्यादा जिंदगियां तो तुम दोनों की यहाँ गुजर गई हैं। पुराने जमाने की क्या बात थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे अब्बा बादामों के चावल का पलाव खाते थे और बावर्ची बादाम बिल्कुल चावलों की तरह बारीक बारीक काटता था। इसी फूड की वजह से आज तक तुम दोनों हयात हो और इसी फूड की वजह से पुराने जमाने में औलाद भी हुआ करती थी। बता, बादाम का पुलाव। अरे चुप कर, तू क्या जाने पुराने खानों का, तुझे तो बिरयानी और पुलाव में फर्क मालूम नहीं है। मालूम है बी अम्मा, पुलाव हैं, इनमें लताफत, नफासत और सफाई है, और तुम हो बिरयानी। क्या मतलब? मलगूबा, हर किस्म के मसाले भरे हुए हैं तुम में। भाई क्या तो ठीक है। अहमद हुसैन तुम्हारे मियाँ थे? हाँ थे। मर गए? हाँ मर गए। बाद अज निकाह मरे होंगे? हाँ। मौत कुदरती थी या तुमने धक्का दिया था? तू बर्तानिया की पुलिस क्यों बन रहा है? जा जाके खाना लेकर आ। बर्तानिया, तुमने बताया था? अरे पागल हो गई हो, अब्दुल पूछ रहा था कि अहमद हुसैन कैसे मरे थे। मैंने कह दिया सीढ़ियों से पांव फिसल गया था। चलाक बहुत है, समझ गया कि तुमने धक्का दिया। देखो हम तुम्हें एक बार फिर बता रहे हैं कि हमने कोई धक्का नहीं दिया था। हमने तो जरा सा कंधे के ऊपर हाथ मार के कहा था कि करेले लाना मत भूलना, बस वो जो हाथ मारा वो धक्के में तब्दील हो गया। ना करेले आए, ना अहमद हुसैन आए, खुद जाके बाजार से करेले लाना पड़े। ये काफी देर से नजमा की आवाज सुनाई नहीं दी। लो पौना घंटा तो भौंकी है वो। किस पे? आधा घंटा तो हम दोनों पर और 15 मिनट आफ्ताब पर, और उसके बाद एक प्याला टूटने की आवाज आई। अब ये पता नहीं चला कि नजमा ने प्याला आफ्ताब पर फेंका है या आफ्ताब ने प्याला नजमा पर फेंका है। नजमा ने ही आफ्ताब पर फेंका था। क्या? फूल तो हो नहीं सकता। मुझे ये बताओ कि तुम सुबह रिक्शे में बैठ के कहाँ जा रही थी? इस इलाके में शरीफ रहते हैं। अगर रिक्शे में बैठकर कहीं से वापस आ रहे होते सुबह तो फिर शरीफों को एतराज होना चाहिए था। हाँ ये आफ्ताब मियाँ, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। दुरुस्त था, फटने के बाद ऐसा हो गया है। बीमा, इनसे पूछे कि सुबह रिक्शे में बैठ के कहाँ गई थी। हम बताते हैं, हम डिफेंस के ऑफिस में गए थे मालूम करने के लिए कि ये घर किसके नाम पर है। हाँ संभल के। अच्छा बालाकोट में खड़े हो जो ऐसा जलजला तारी हो रहा है? तुम डिफेंस के ऑफिस क्या करने गई थी? भाई तुम्हें बताया तो है ये मालूम करने के लिए कि ये घर किसके नाम है। भाई ये घर तुमने अभी तक अपने नाम नहीं किया। भाई क्यों करवाते? हे तुम बेवा हो, बेवा के ऊपर टैक्स कम होता है, इसलिए ये घर अभी तक मजीदा बेगम के नाम है। तुम्हें डिफेंस के ऑफिस का पता किसने बताया? 8-10 मरतबा तो हम गए हैं। वहाँ पर एक बड़ा अच्छा रहम दिल फौजी है, हमें अम्मा अम्मा कहता है वो। उसने तमाम कागजात की फोटोकॉपियां हमें बना कर दे दी। कहाँ हैं वो कागजात? लाओ मुझे दो। वो कापियां तो असद के पास हैं और एक सेट हमने दरख्शां थाने में जमा करा दिया। नजमा घर छोड़ के चली गई है? घर छोड़ कर नहीं, सर फोड़ कर। ये तो बहुत बुरा हुआ, ये घर तो तुम्हारे और नजमा के नाम है। ये घर तुम्हारा है, आफ्ताब और नजमा तो उस घर में रह रहे हैं। बी अम्मा, तुम्हारी इस फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने मेरी नाक में दम कर दिया है। इनसे कहे कि मेरे और आपके मामले में बोला न करें। ये नजमा गई कहाँ? अपने भाई के घर। पर भाई तो उसका जेल में है।
तुझे हर बात की खबर है भाई। वो जेल में है या नहीं? हाँ है, पर इसे किसने बताया? नजमा वकील से फोन पर बात कर रही थी, हमने सुन लिया। कह रही थी भैया की बेल का क्या हुआ। अब भैया के घुटने पर चमेली की बेल तो निकलने से रही। तुम चलो और नजमा को लेके आओ, बल्कि हम भी चलते हैं साथ। एक मिनट, पहले मैं उससे पूछ लूं कि आप आ सकती हैं या नहीं। लो खाना खाओ। पता तो तुझे क्या पकाया है तुमने? किसे खा ले जो पकाया पा। हाँ हाँ चलो। बाकी लाता हूँ। लो एक डब्बा ला के रख दिया, बाकी कह रहा लाता हूँ। कौन सी सदी में लेकर आएगा ये? ना गुस्सा क्या कर, हर वक्त गुस्से में रहती। कहाँ हो? चली गई। हमसे कह कर गई है भी अम्मा नजमा और आफताब में दोस्ती हो गई, हमारा मिशन पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, लेकिन हम नहीं मिलेंगे। हमें ढूंढने की कोशिश ना करना। बेगम साहबा और साहब उन्हें ढूंढने के लिए गए हैं, मिल जाएंगे। हम जानते तुम जाओ।